नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केरल में शुक्रवार शाम कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया। रनवे पर विमान के फिसलने के बाद विमान क्रैश हो गया और दो हिस्सों में टूट गया। आपको बता दें कि एयर इंडिया का ये विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से भारत आ रहा था, जिसमें 190 यात्री सवार थे। हादसे में दोनों पायलट समेत 19 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 170 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में घायल सभी लोगों को केरल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घायलों में से 15 की हालत गंभीर बनी हुई है। DGCA के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। विमान में 190 लोग सवार थे। केरल में भारी बारिश के चलते रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और घाटी में गिर गया। वही विमान दो हिस्सों में टूट गया। विमान में 190 लोग सवार थे, इनमें 184 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। साथ ही यात्रियों में 10 बच्चे भी शामिल थे। DGCA के मुताबिक हादसे में कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि दोनों पायलट की मौत हो चुकी है, वहीं कैबिन क्रू सुरक्षित है। हालांकि विमान हादसे में पायलट समेत अब तक कुल 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एयर इंडिया ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम को मौके पर भेज दिया गया है। हम जान गंवाने वाले पायलट के परिजनों से संपर्क में हैं। एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है कि विमान में सवार 4 क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिलहाल एयर इंडिया ने यात्रियों के संबंध में जानकारी के लिए पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सेंटर शुरू कर दिया है, जहाँ इस फ्लाइट में सवार यात्रियों के परिजन उनके संबंध में जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। वहीं इस हादसे के बाद पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर है 0565463903, 0543090572, 0543090572। प्लेन में सवार लोगों के परिजन इन नंबरों पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं। विमान हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए केरल के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।